क्या मकर संक्रांति पर्व पर त्रिवेणी में जो स्नान होगा वह गंदे पानी से किया जाएगा? जी हाँ, मकर संक्रांति पर नहान के लिए कमलनाथ सरकार द्वारा गऊ घाट से पानी लिफ्ट करके त्रिवेणी घाट तक लाया गया है, मगर कहा जा रहा है कि ये पानी गंदा और बदबूदार है। शुद्धि के लिए फिलहाल पीएचई ने यहाँ 2 फव्वारे लगाए हैं, लेकिन इसके बावजूद पानी गंदा ही है। कुल मिलाकर शनिश्चरी अमावस्या पर यहाँ पर गंदे पानी से नहाने के बाद पूरा मामला उछाला था और इसमें उज्जैन के कलेक्टर को भी हटा दिया गया था, लेकिन इस बार फिर से यही स्थिति बनती हुई दिख रही है और बता रहे हैं कि गऊ घाट पर जमा शिप्रा का पानी लिफ्ट कर त्रिवेणी घाट पर भरा जाएगा और राम घाट पर जमा गंदा पानी आगे बहाकर उसमें गंभीर का पानी भरना शुरू कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद जो हालात बन रहे हैं उसमें सोचने वाली बात यही है कि क्या मकर संक्रांति पर भी लोगों को शुद्ध पानी नहाने के लिए मिल पाएगा? नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।